हाय गाइस, कैसे आप सब। आज हमारे पास आ चुकी है 2023 की लेटेस्ट मॉडल हीरो एक्सट्रीम 160R स्टील ब्लैक कलर, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो गाइस, इसी बाइक के बारे में हम आपको फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2023 की लेटेस्ट मॉडल हीरो एक्सट्रीम 160R स्टील ब्लैक कलर में आपको क्या क्या अपडेट देखने को मिलती है, क्या लेटेस्ट वगैरह आपको मिली है इस बाइक की, कितनी आपको इसमें माइलेज मिलती है। तो ये सभी कुछ डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप 2023 में इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में पता चल जाएगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पर ही बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सके। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे इस बाइक में आपको क्या क्या अपडेट देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो आपको अपडेट निकल के आता है इस बाइक में, BS6 फेज 2 आपको इसमें इंजन मिल रही है। दूसरे अपडेट की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे इसके फ्यूल टैंक में, तो आपको यहाँ पर E20 की बैजिंग मिली है, मतलब यह बाइक भी एथनॉल कम्पेटेबल हो चुकी है। जो E20 फ्यूल आएगी और नॉर्मल पेट्रोल है, दोनों ही पेट्रोल से यह बाइक चलेगी। तो E20 फ्यूल में आपको 20% एथनॉल होगी और 80% पेट्रोल होगी। तो इस पेट्रोल से अगर आप इसे राइड करते हैं, तो इसका जो परफॉर्मेंस है आप काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा और यह बाइक पोल्यूशन को भी कम करेगी। तो यह काफ़ी बेहतरीन इसमें अपडेट किया गया है, जो यह बाइक इको फ्रेंडली हो चुकी है। और नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इसमें अब आपको OBD2 सेंसर लगी मिलती है, जो कि इसमें नया अपडेट किया गया है। बाकी लुक और डिज़ाइन आप देखेंगे तो वही सेम आपको मिलती है। लुक वाइज आपको कोई चेंजेस इस बाइक में देखने को नहीं मिलता है। बस इसमें 2023 में आपको फीचर्स इसमें ऐड कर दिया गया है हीरो एक्सट्रीम 160R में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है, कुछ इस तरह निकल के आती है। तो रेड और ब्लैक कलर का जो इसमें कम्बिनेशन दिया हुआ ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यह बाइक काफ़ी यूनिक लगती है, काफ़ी खास लगती है देखने में। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके फ्यूल टैंक पे, तो आपको यहाँ पे हीरो की जो बैजिंग मिली, ये भी इसमें रेड कलर का दिया हुआ, रेड कलर की आपको यहाँ पे ग्राफिक्स मिलती है। ग्लॉसी ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे कम्बिनेशन दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर की आपको टैंक मिलती है। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो जो एक्सट्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी इसमें रेड कलर का लिखा हुआ है। और स्टील्थ की आपके यहाँ पे बैजिंग कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल रही है। और गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो इंजन का जो ऊपरी हिस्सा है, ये भी इसमें रेड कलर का आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो इंजन गार्ड इसमें मिली है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इस पर भी आपको रेड कलर की ग्राफिक्स मिलती है। तो ओवरऑल आप देखेंगे इस बाइक में तो आपको रेड कलर की आपको ग्राफिक्स देखने को मिलती है। जो कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है, जो कि ब्लैक कलर पर काफ़ी अच्छा लगता है। रियर में आपको जो ग्राफिक्स मिलती है, कुछ इस तरह से ग्राफिक्स मिली है। और ग्रैब हैंडल्स भी आपको इसमें रेड कलर में दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपको इस बाइक का जो लुक है निकल के आता है। तो गाइस, आपको यह बाइक कैसी लग रही है हीरो एक्सट्रीम 160R स्टील एडिशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो फ्रंट प्रोफाइल है, कुछ इस तरह से निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी शार्प इसकी है, आपको हेडलाइट की सेटअप मिलती है। तो गाइस, मैं से ऑन करके आपको दिखा दूँ, तो आपको जो इसका हेडलाइट का सेटअप मिलता है, कम्प्लीटली इसमें LED हेडलाइट के सेटअप दिया हुआ है। LED डियास आपको लगा मिलता है, जो काफ़ी यूनिक पैटर्न में आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस तरह से आपको इसमें काफ़ी ब्राइट लाइट इस बाइक में ऑफर की जाती है हीरो की तरफ से। तो कुछ इस तरह से आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिला है, कम्प्लीटली इसमें LED का दिया हुआ है, जो काफ़ी शार्प लगती है देखने में। यहाँ पे आप देखेंगे इसके वजह तो आपके यहाँ पे हीरो की बैजिंग मिल रही है, जो कि यहाँ पे 3D में दिया हुआ है। और इसका जो टर्न सिग्नल आपको लगा मिलता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इसमें जो टर्न सिग्नल लगी मिलती है फ्रंट और ये दोनों साइड में, तो इसमें आपको LED का इसमें टर्न सिग्नल लगा मिलता है, जो काफ़ी फ्लेक्सिबल इसमें दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब बात की इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो फ्रंट में सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल रही है, जो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन इस बाइक में दिया हुआ है। फ्रंट में जो राइडिंग कम्फर्ट है, राइडिंग क्वालिटी है, आपको काफ़ी अच्छी खासी इस बाइक में देखने को मिल जाती है। अब बात की इस बाइक के ब्रेकिंग के बारे में, तो जैसा गाइस यह बाइक सिंगल चैनल ABS 7 अवेलेबल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है, 276 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे सस्पेंशन भी आपको निचला वाला हिस्सा रेड कलर में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ABS की आपके यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है, और जो ब्रेक कैलिपर आपको मिलता है ब्लैक कलर में इसमें दिया हुआ है, और रेड कलर की आपको यहाँ पे इसकी अलॉय व्हील्स पर टेपिंग देखने को मिल रही है। और अब बात की इस बाइक के व्हील साइज़ के बारे में, तो फ्रंट में आपको जो व्हील साइज़ लगी मिलती है, इसमें आप देखेंगे तो आपको 17 inches का आपको व्हील साइज़ मिलती है। और टायर की बात करें तो इसमें आपको जो टायर लगा मिलता है फ्रंट में, 100x80 17 inches का आपको ट्यूबलेस टायर इस बाइक में लगी मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसकी ग्रिपिंग आपको जो मिलती है, कुछ इस तरह से आपको इसकी ग्रिपिंग मिली है, जो काफ़ी शानदार इस बाइक में ग्रिपिंग ऑफर किया गया है।
और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो अलॉय व्हील का पैटर्न आपको मिलता है कुछ इस शेप में आपको देखने को मिल रही है। इसका जो अलॉय व्हील का पैटर्न मिला है और इस पर भी दोनों साइड में आपको रेड टेपिंग देखने को मिल रही है। तो इस बाइक में आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर रेड कलर का जो इस्तेमाल किया गया है काफ़ी ज़्यादा इसमें किया गया है, जिसकी वजह से यह बाइक काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और कैसे यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट में तो आपके यहाँ पे नकल गार्ड आपको देखने में मिलती है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने में मिलती है जो फायर बॉडी की इसमें दिया हुआ जो ग्लॉसी ब्लैक कलर की आपको मिली है। दोनों साइड में इस तरह से आपको यहाँ पे नकल गार्ड देखने को मिली है इस बाइक में। अब इसके फ्यूल टैंक की तरफ आए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक मिली है कुछ इस तरह से आपको मिलती है। 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जिस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेड कलर की आपको ग्राफिक्स मिलती है, ग्लॉसी ब्लैक कलर में दिया हुआ है। तो डुअल टोन कलर में आपको इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर मिलती है, यहाँ पर मैट ब्लैक आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से आपको इस बाइक की टैंक प्रोफाइल लगी मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको स्ट्रीम 160R की आपको यहाँ पर बैजिंग मिली है और ऊपर साइड में आपको यहाँ पर कनेक्ट की आपको बैजिंग मिलती है, जैसा कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स दिया गया है। E20 का फीचर्स मिला है जैसा कि मैंने आपको बताया। और दोनों साइड में आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम 160 स्टिल्ट एडिशन की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। अब बात करें इस बाइक के हैंडल बार के बारे में, तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो हैंडल बार लगी मिलती है कुछ इस तरह से आपको इसमें हैंडल बार लगी मिलती है। तो एक इसमें आपको नया फीचर्स देखने को मिलता है। इस बाइक के राइट में आप देखेंगे तो यहाँ पे SOS का आपको यहाँ पे बटन मिलता है और यहाँ पे हजार लाइट का स्विच दिया हुआ है। इंजन स्टॉप स्टार्ट का आपको स्विच मिलता है इसके राइट में। पे लेफ्ट हैंडल बार पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे पासिंग लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम, टर्न सिग्नल और हॉर्न के यहाँ पर स्विच दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपको इसकी ग्रिपिंग मिली है। तो स्विचिंग क्वालिटी आपको इस बाइक में डिसेंट देखने को मिली है। अब बात करें इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो मीटर कंसोल लगी मिलती है फुली डिस्ट्रीब्यूटर कंसोल आपको मिलती है कुछ इस तरह से आपको मिली है इस बाइक में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे डिजिटल टैकोमीटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेशन, किलोमीटर, डिजिटल क्लॉक, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल इंडिकेशन, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स मिलती है और इसमें आपको एडजस्टेबल ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। तो इसके ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी जो ब्राइटनेस है अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों साइड में दो बटन मिलते हैं, जिससे आप कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके मीटर कंसोल में देख सकते हैं। तो इस वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ओडोमीटर मिलती है, ट्रिप मीटर, ट्रिप बी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। और नीचे साइड में आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर इंजन चेक लाइट, न्यूट्रल लाइट, टर्न सिग्नल, ABS लाइट और फ्यूल इंडिकेशन का आपको यहाँ पर इंडिकेशन मिले है। तो कुछ इस तरह से आपको इसमें फुली डिजिटल मीटर कंसोल ऑफर किया गया है हीरो की तरफ से। तो गाइस इस बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप इसे यहाँ देख सकते हैं BR लिखा आ गया है, तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इसकी ब्राइटनेस को। आप देख पा रहे होंगे इसका ब्राइटनेस कम या तेज़ हो रहा है, तो एडजस्टेबल आपको इसमें ब्राइटनेस मिल जाती है और साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स मिलती है, जिससे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को पेयर करते हैं तो हीरो की जो राइड गाइड ऐप है उससे आप पेयर करते हैं तो जो भी इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स दिया गया है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। जैसे इनकमिंग कॉल, SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, ये सारी कनेक्टिव फीचर्स का आप बेनिफिट इस बाइक में ले सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। और गाइस यहाँ पे आपको फ्रंट में USB चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब गाइस आगे बढ़े और बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है वो 163 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड आपको इसमें इंजन लगी मिलती है। और मैक्स पावर की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्स पावर निकल के आती है इस बाइक में 15 BHP की आपको पावर मिलती है। एट 8500 RPM पे आपको मैक्सिमम पावर मिलती है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्सिमम टॉर्क मिलता है इस बाइक में 14 Nm का आपको टॉर्क मिल जाती है। एट 6500 RPM पे आपको मैक्सिमम पावर मिलती है। तो पावरफुल आपको इसमें इंजन लगी मिलती है और इसमें आपको जो गियरबॉक्स आपको लगी मिलती है 5-speed गियरबॉक्स आपको लगी मिलती है, कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको साइड स्टैंड इंजन कटआउट का आपको फीचर्स मिला है। और गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो इंजन गार्ड आपको मिलता है इस पर भी कुछ आपको ग्राफिक्स मिलती है। तो फायर बॉडी का आपको इसमें इंजन गार्ड आपको लगा मिलता है और इसमें आपको सिंगल हॉर्न दिया हुआ है और यहाँ पे FI की आपको बैजिंग मिली है। और गाइस यहाँ पे आप देखेंगे इसके रियर साइड में तो आपके यहाँ पे 160R की आपको बैजिंग मिल जाती है, रेड कलर की आपको यहाँ पे मिली है। और जो राइडर फुट पैक्स है, प्लेन फुट पैक्स है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इस बैग में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रियर साइड में आपको इस तरह से साड़ी गार्ड इसमें ऑफर किया गया है और ओपन चेन ड्राइव आपको सिस्टम इस बाइक में लगी मिलती है। गाइस यहाँ पे आप देखेंगे इस बाइक का जो रियर से लुक है कुछ इस तरह से निकल के आती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी प्यारी लगी देखने में। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर आप देख सकते हैं 25 मई 2023 की ये लेटेस्ट मॉडल है। सो गाइस ये हो गया इस बाइक के फीचर और स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में, तो इस बाइक का जो कर वेट आपको मिलता है 139 kg का आपको इसका वेट मिल जाता है। सीट हाइट आपको मिलती है 790 mm का सीट हाइट दिया हुआ है। और ग्राउंड केस की बात करें तो इसमें आपको जो ग्राउंड केस मिलती है 167 mm का ग्राउंड केस दिया हुआ है। और ओवरऑल लेंथ आपको जो मिलती है इस बाइक में 2029 mm का ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है। और विड्थ की बात करें तो ओवरऑल विड्थ आपको जो मिलती है इस बाइक में 793 mm का ओवरऑल विड्थ दिया हुआ है।
और ओवरऑल हाइट की बात करें तो इसमें आपको जो ओवरऑल हाइट मिलती है 1052 mm का ओवरऑल हाइट दिया हुआ है, और व्हील बेस जो आपको मिलती है 1327 mm का इसमें व्हील बेस दिया हुआ है। अब बात की इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इस बाइक का जो ऑनरोड प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में हीवी एक्सट्रीम स्टील एडिशन 2.0 एडिशन का जो वाराणसी में प्राइस निकल के आ रहा है 1,48,000 से 1,51,000 के बीच में यह बाइक कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यह प्राइस फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप हीरो शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये रहा हीरो एक्सट्रीम 160R स्टील ब्लैक कलर का 2023 मॉडल का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दिया क्या अपडेट है, क्या लेटेस्ट प्राइस है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी अपडेट, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें।